हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू वैष्णो देवी एंड हमारे टिकट्स भी कंफर्म हो गए थे। हम लोगों ने जो सरप्राइज आपको बोला था वो यही था कि हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, मैं एंड मी एंड अंश एंड हमारे दोनों के टिकट कंफर्म हुए हैं और इस बार हम दोनों ही जा रहे हैं। और हम लोग की ट्रेन छूट जाती तो हम लोग गांधीनगर से बैठे हैं, बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग ट्रेन में चढ़े और फिर हम लोग फाइनली हम लोग पहुंच गए क्योंकि माता रानी का बुलावा आया था तो हम माता रानी के जा रहे हैं। बोलो जय माता रानी। जय माता। और खाना हम घर से ले आए हैं, बाकी हमें किसी को दिल्ली में प्रसाद देना है, अगर वो मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो फिर हम उस प्रसाद को जम्मू में जाके फाड़ देंगे। खाटू श्याम जी का प्रसाद है जो कि मैं कल खाटू श्याम जी और सलासर गई थी, मैं तो प्रसाद लेके आई थी, तो वो बंदा अगर मिल जाएगा तो हम उसको दे देंगे, अदरवाइज वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट। फर्स्ट ट्राई तो करेंगे उसी को दें। और अभी की पहली बार मी एंड अंश इज गोइंग टुगेदर अलोन टू वैष्णो देवी। वैसे ये छोटा था तब हम लोग काफ़ी ट्रिप्स पे गए हैं दोनों, बट वैष्णो देवी हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और अंश का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो चढ़ाई कर लेगा कि नहीं। अगर ये नहीं चढ़ पाया तो फिर देखो उधर मुँह कर लिया इसमें शर्म के मारे नहीं चढ़ जाएगा चढ़ जाएगा। तो माता रानी वो देगी, क्या देगी, हिम्मत। जय माता रानी। हम खाने में क्या लेके आए वो तो मैंने बताया ही नहीं। अगेन हम लोग बना के लाए कद्दू गैरी एंड अंश की फेवरेट पनीर भुर्जी, और मैं मेरे लिए ओट्स की रोटी लाई हूँ एज यूजुअल, और धनम अंश के लिए लाई हूँ, क्या लाई हूँ अंश, आटे की रोटी, आटे का पराठा। तो बताते हैं धीरे धीरे सारे अपडेट्स देते रहेंगे टिल देन, बट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल, और कमेंट्स ज़रूर करके बताइए कि आपको ये चैनल कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू। रात हो चुकी है बाहर, हम ट्रेन में मैं सो गया थोड़ी देर, मम्मी नहीं सोई, मैं उठा तो देखा तो मम्मी वो करती माला फेर रही, अभी तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। और अभी हमने 3 समोसे खाए जो बांदीकुई स्टेशन आया था, अभी स्टेशन आया था अप्रॉक्स अभी 6 बजे करीब, तो 20 के 3 समोसे हैं और वो, लेकिन वो ऐसे थे घर वाले छोटे छोटे से, मजा आ गया लेकिन उनको खा के, फिर मेरे को नींद आई, मैं थक गया था, सो गया थोड़ी देर। कौन सा स्टेशन आया है, कुछ तो आया है स्टेशन वगैरह, दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। ये लाइट यहाँ पे वो दे रखी होती है, चलो बाहर निकल के लाता हूँ, अंधेरा अंधेरा आया, देखो बिल्कुल अंधेरा पड़ा है। नाइस, ट्रेन में है और इट्स 11 o'clock और नाउ आई एम ट्राइंग टू स्लीप। अंश ऊपर की बर्थ पे सो गया है, आर ऊपर की बर्थ पे सो गया है, मैं नीचे भी कर रही हूँ और सोते हैं, सुबह उठ के कटरा पहुँचे, जम्मू पहुँचेंगे, जम्मू से कैब करके कटरा जाना है, फिर कटरा से हम लोगों ने कटरा में होटल बुक कराया है, वहाँ से फ्रेशन अप होके नहा धो के फिर हम लोग चढ़ाई करेंगे। अब देखते हैं कल का कल पता चलेगा, किस माता रानी के यहाँ पे ऑलवेज अनसर्टेनिटी रहती है, जो सोचते हैं वही होता है और ये सोचते होता है कितना चंबा के है एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड ऐसे ही अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अभी हम लोगों ने कैब कर ली है, यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी मिलती है तो वहाँ से हम लोगों ने कैब कर ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं कटरा, कटरा में हमारा होटल ऑलरेडी बुकड है और हमारा फिर हम वहाँ से नहा धो के फ्रेशन अप होके निहारिका भवन जाएंगे, वहाँ से कुछ दर्शन के पासेस वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चढ़ाई जय माता दी। और देखते हैं हम लोग कितने बजे स्टार्ट कर पाते हैं, ये टास्क है हमारे लिए बहुत बड़ी कि हम टाइमली स्टार्ट कर पाएँ अपनी जर्नी टू द भवन। और साथ में मेरे अंश है, अंश हेलो, जल्दी तैयार होना है बेटा, हमें जल्दी रेडी होना है, इसको मैंने पहले ऑन कर दिया है कि मतलब अभी हम अगर वहाँ पे पहुँच के जाते हैं 9 बजे तो हम लोग 10:30 बजे निकल जाएं, बिकॉज फिर बहुत
बहुत धूप हो जाएगी और परेशानी होगी, कोई मतलब नहीं है। अभी अच्छा वेदर है, प्लीजेंट सा वेदर है, गर्मी बहुत है बट स्टिल इट इज़ अ प्लीजेंट वेदर। और दिखाती हूँ मैं आपको आगे का नज़ारा रोड्स का। अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए भवन की तरफ, और दिखा दूं यहाँ से क्या व्यू है। जो आप सामने देख रहे हैं वो है और सांझी छत। चलो, ये हमारा कुछ रूम है, इसका हमने तहस नहस कर चुके हैं आके ही। और मैं ऐसा लग रहा हूँ क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए चाबी देख के चलेंगे। तो बैग कहाँ रखे? इधर रख देना अलमारी में यार। अच्छा तेरा तो लेके चल रहे हैं। हाँ आप वाला रख देते। चलते हैं, चलती स्टार्ट हो चुकी है। हाय गाइस, जय माता दी। हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है मी एंड आरो, और माता रानी पार लगाएगी। अभी स्टार्ट किया, वेदर भी बहुत अच्छा कर दिया माता रानी ने एज यूजुअल। बस बारिश ना आए और बाकी सब सही रहे और बहुत अच्छे दर्शन हो। जोर से बोलो जय माता दी, प्यारे जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, मां नहीं सुनिया जय माता, जय माता। हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं कटरा, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, अमेजिंग दर्शन हुए। 10 मिनट तक हम लोग वहाँ खड़े होकर दर्शन करते रहे, बिकॉज भीड़ वहाँ मंदिर में जब हम थे भवन में तब भीड़ नहीं थी, और इतना मज़ा आया दर्शन में। पुजारी जी ने हमें प्रसाद भी दिया और बहुत अच्छा हमें, मतलब बहुत ही पीसफुली सब कुछ हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ उनका पूरा रास्ता। अंकल साइड हो जाओ, अभी यहाँ बीच सड़क के कहाँ खड़े हो? तो चलते हैं और फिर डिनर पे मिलेंगे आपसे, है ना? हम आया सीटीसी वालों, मैं बिस्किट खा रहा हूँ। माता वैष्णो देवी का लाइट जल चुकी है, दर्शन कर लो। भरत कुमारी है और वही सांझी छत दिख गई हो तो ऊपर। हम तो करिए है वहाँ पे, एक्चुअली क्या है कैमरा लगाना अलाउड नहीं है तो हम आपको दिखा भी नहीं पाए। खैर अभी टाइम हुआ है 7:30। अब हम सोच रहे हैं कहीं मार्केट में चलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, क्योंकि थकान वैसे हो नहीं रही। थकान हो रही क्या आपको? थकान हमें हो नहीं रही। हाँ कर लो, देख लो, हाँ कर लो। थकान हमें हो नहीं रही तो यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं और कुछ खा के आ जाएंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बनता खाने का। वो ये नान है, ब्रेड है, हम बाहर अभी कुछ भी खा लेंगे। साउथ इंडियन हो गया, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन भी है, अच्छा है सारे, चाइनीज साउथ इंडियन सब। चलो देखते हैं क्या होता है।
थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको पार्सल बाद। और अभी मैं गैप की नहीं करूंगा। हम दोनों गैप की है। चलो देखते हैं, 3, 2, 1 गो पॉप। हाय गाइस, यहाँ पे प्लेइंग एरिया है होटल में। अंश भाई साहब खेल रहे हैं अकेले, बिकॉज मुझे टीटी खेलना नहीं आता, टाइम पास जरूर करना आता है। इट्स ही इज ऑलराउंडर, ही इज ऑलराउंडर। और ये रेस्टोरेंट है। पूछा आज वैसे मेन्यू वेन्यू क्या है। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, नॉट अ माय न्यू व्लॉग, माय मदर्स न्यू व्लॉग। और बज गए 1:18, हम सब हो चुके हैं रेडी और अब हमने चेकआउट के लिए फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं। जब तक आपको मैं एक छोटा सा रूम टूर देता हूँ फटाफट फटाफट। चलो 1, 2, 3 हैं जहाँ से हमारी लॉबी एंटर हुई। लॉबी एंटर होने से पहले हम घुसे, ये वॉशरूम आ गया, यहाँ पे शावर और ये नल और ये वॉश बेसिन। अच्छा, ये वॉश बेसिन और ये वो टॉयलेट जो है। फिर यहाँ पे एक अलमीरा दे रखी है हमें, जो काम की नहीं हमारे लिए। लॉकर इतना कोई सोना हम लाते नहीं, तो हमें काम आया यहाँ रखने में। एक चप्पल दे रखी है, 2-3 हैंगर दे रखे हैं। और ये है लॉन्ड्री सर्विस, टुडे टोटल प्राइस दे। ये अगर आपको किसी को रखना हो तो आप ये करवा सकते हैं, टू लॉक टू अनलॉक। आ जाओ भैया। और ये छोटा सा मिनी बार है, दिखा दो आपको मिनी बार। हमने कुछ यूज किया नहीं है इनमें से, तो बाकी खाली। ये भी खाली है लगभग, ये भी खाली है, ये पिलो है, ये मेरा एक बैग हो गया, ये सिटिंग टेबल है और ये एक चेयर है। बस सब हो चुका है। आपने मेरा फोन लिया क्या मम्मा? फोन लिया क्या मेरा? मेरा फोन लिया क्या? तो वो ली लिफ्ट। वैसे खैर कुछ ये सा होटल था हमारा, ये हमारा रूम था। इधर जाके फटाफट चलते हैं नीचे, चेकआउट करते हैं और फिर अभी थोड़ा हम घूमने जाएंगे मार्केट की तरफ। ऐसे कोई धनम वगैरह के लिए सामान लेना होगा तो ले आएंगे। चलते हैं। रिसेप्शन आई क्या? तो गाइस चेकआउट करके हम बाहर जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं क्या करना है। बस मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है यहाँ का, अभी बताते हैं क्या कर सकते हैं आपको।